हरियाणा में मंगलवार को भाजपा ने सभी जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी। वहीं जिला सोनीपत के पार्टी के कर्मठ वरिष्ठ नेता व मौजूदा राय विधायक मोहनलाल बड़ौली को जिला अध्यक्ष की एक अहम जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। इसके बाद बुधवार को इस खुशी को लेकर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस अवसर पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। 19 तारीख को अगस्त को ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाते जिम्मेवारी मिली है, पहली बार मुझे आज ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दी गई है। इसमें मैं सबसे पहले अपने पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व, उन सब के द्वारा जो ये विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है और जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, मैं इस जिम्मेवारी को बहुत पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका भी, पूरी मीडिया का, सभी पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका भी मैं सबसे पहले आज अध्यक्ष बनने के बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूं, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। धारा की पार्टी है और जो वर्षों से इस देश में एक वैचारिक राजनीति की सरकार बने, वैचारिक राजनीतिक संगठन इस देश में काम करे, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां देके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है उस पर चलते हुए जो समाज के लोगों की इच्छा है, जो समाज के लोग ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल के द्वारा इस देश में इस प्रकार के बढ़िया काम हों, वो सारे बढ़िया काम करने का हम प्रयास करेंगे और उसी पर जैसे जैसे भी समय के अनुसार जो भी गाइडलाइन पार्टी की आएंगी मैं उसको आगे बढ़ाता हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो गांव में, शहर में, जो लोगों के बीच में 24 घंटे रहता, जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता की इच्छा के अनुसार काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।